नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान के इन 10 प्रश्नों का उत्तर दें और ले जाएं फ्री 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 बिल्कुल फ्री दोस्तों, लक्ष्मीकांत लेटेस्ट एडिशन। जी हां दोस्तों, भारतीय संविधान के इन सबसे बेहतरीन प्रश्नों का उत्तर देने वाले 5 सबसे लकी स्टूडेंट को दोस्तों उनके दिए गए पते पर यह बुक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों, आपको सिंपली बस यह करना है कि इन 10 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अपने डिलीवरी एड्रेस के साथ पोस्ट करना है। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट का 10 जवाब सही होगा, उन स्टूडेंट में से हम दोस्तों 5 लघु स्टूडेंट को चूज करेंगे और उन तक दिए गए पते पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों भारतीय राजव्यवस्था जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसका लेटेस्ट एडिशन उन तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आइए क्विज को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं किनका ज्ञान सबसे मजबूत है भारतीय राजव्यवस्था में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है हमारा, दिल्ली को NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 69वां, दूसरा ऑप्शन है 85वां, उसके बाद 100वां या 123वां। इसका आंसर आप दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। बात करें हम दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न आज का हमारा है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती सिस्टम कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भी दोस्तों, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। पहला आंसर हमारा है ऑप्शन है 10 लाख से ऊपर, उसके बाद 15 लाख, सी ऑप्शन है 25 लाख और डी ऑप्शन है 30 लाख। तो दोस्तों राइट आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है आज का इस क्विज का दोस्तों, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा या तीसरा ऑप्शन विधानसभा या चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर भी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें अगर आपको लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट एडिशन बुक चाहिए। तो बात करें चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न आज का हमारा क्विज का है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। पहला आंसर हमारा है रक्षा मंत्रालय, दूसरा आंसर हमारा है गृह मंत्रालय, तीसरा आंसर हमारा है विदेश मंत्रालय या चौथा आंसर हमारा है सड़क परिवहन मंत्रालय। इसका आंसर दोस्तों आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इसके बाद आज का पाँचवा प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दोस्तों गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है। तो दोस्तों प्रश्न को आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ के ही उत्तर दें। पहला ऑप्शन आपके पास है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन आपके पास है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन आपके पास है गृह मंत्री या चौथा ऑप्शन आपके पास है लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों आपके लिए एक जरूरी सूचना है इस क्विज से रिलेटेड, दोस्तों आप जब 10 प्रश्नों का आंसर दे देते हैं उसके बाद लास्ट में आप डिलीवरी एड्रेस अपना, जहाँ आपको बुक पहुँचवानी है वहाँ का एड्रेस आप जरूर बता दीजिएगा। आगे बढ़ के देखें अगला प्रश्न हमारा आज का है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25 PC मुक्त सीटों का दोस्तों आदेश दिया गया है जिसमें से भारत के निम्नलिखित स्कूल सम्मिलित हैं। कौन से दोस्तों? केवल सरकारी स्कूल, उसके बाद बी ऑप्शन है सरकारी व प्राइवेट दोनों, उसके बाद सी ऑप्शन है केवल प्राइवेट स्कूल, उसके बाद डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों आपके पास पहला ऑप्शन है पर्यावरण मंत्री होता है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री होता है, चौथा तीसरा ऑप्शन आपके पास है MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इन 10 प्रश्नों का आंसर आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस क्विज के 2 घंटे बाद पोस्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं लिंक में आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों आप जाके वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस 10 आंसर का दोस्तों PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। एक EVM में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दोस्तों आपको बताना है कि मैक्सिमम कितने वोट पड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है
3840 वोट, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 3845 वोट, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 3850 वोट या चौथा ऑप्शन आपके पास है 3855 वोट। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगला क्विज हमारा दोस्तों नौवां क्या है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है मुस्लिम के लिए, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम में बीपीएल परिवार के लिए, तीसरा ऑप्शन है 5 अल्पसंख्यकों के बीपीएल परिवार के लिए, उसके बाद चौथा ऑप्शन है दोस्तों 5 चयनित अल्पसंख्यकों के लिए। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस क्विज का आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है। पहला ऑप्शन आपके पास है अफस्पा, दूसरा पोटा, तीसरा मकोका और चौथा फेमा। तो इसका आंसर भी आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इन 10 प्रश्नों का उत्तर देने वाले 5 लकी स्टूडेंट को उनके दिए गए पते पर दोस्तों यह लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट एडिशन बुक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों इन 10 प्रश्नों के उत्तर के साथ आप लास्ट में अपने एड्रेस भी पोस्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ दोस्तों इन 10 प्रश्नों का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप जाके वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जल्दी से इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो थैंक यू।